तो आप सभी जानते हैं कि 2011 में जो है उत्तराखंड में नियमावली बनाई गई थी। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली 1974 लागू थी। उसके बाद जो है 2015 और 16 में इसमें जो है संशोधन किए गए थे और अभी एक बार से फिर से जो है इसमें संशोधन हो रहा है। देखिए, मंजूरी मिलते ही लागू करेंगे। तो हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ऋतु खंडोड़ी जी, उनका कहना है कि नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है, शासन की ओर से नियमावली को कैबिनेट में रखा जाएगा और मंजूरी मिलते ही नियमावली लागू कर दी जाएगी। अब यहाँ पर विधानसभा सचिवालय में अब कर्मचारियों की भर्ती में मनमानी नहीं चलेगी। इसके लिए विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। नियमावली में विधानसभा सचिवालय में भर्ती लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने का प्रावधान किया जा रहा है। वही जरूरत के हिसाब से पदों का ढांचा भी निर्धारित किया जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले जो विधानसभा की भर्तियां हुई थी उसमें भी जो है धांधली का बहुत बड़ा प्रकरण जो है सामने आया था। कई नेताओं के जो सगे संबंधी है उन्हें जो है वहां पर नौकरियां मिली थी, जिसमें 2016 से 2021 में तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थी। भविष्य में विधानसभा में होने वाली नियुक्तियां नियम व पारदर्शिता से हो, इसके लिए स्पीकर ने नियमावली में संशोधन की पहल की है। साथ ही साथ यहाँ पर नियमावली में सीधी भर्ती के साथ ही पदोन्नति के नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है। इसमें विधानसभा सचिव पद के लिए न्यायिक सेवा अधिकारी या विधानसभा व संसद के किसी अनुभवी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति तैनात करने का प्रावधान किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन के माध्यम से खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। तो UK SSS जो है यहाँ पर भर्तियाँ करवाएगा आगे से, और यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है होने वाले हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।